जय हिंद। आप सबका आपके YouTube चैनल MG एग्जाम लेकर पर स्वागत है। दोस्तों, हमने बालू गिट्टी मोरन की माप किसी भी ट्रक ट्राली में कैसे करते हैं, इसके रिगार्डिंग यानी कि इसका आयतन कैसे निकालते हैं घन फीट में और इसका रेट कैसे सुनिश्चित करते हैं, इसके रिगार्डिंग इसके संबंध में हमने एक वीडियो डाली थी जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। दोस्तों, अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक पर जाकर हमारे YouTube चैनल MG एग्जाम लेकर पर देख सकते हैं। तो जो आज का टॉपिक वो ये है कि कुछ व्यूवर्स ने हमसे ये प्रश्न किया उस वीडियो को देखने के बाद में कि सर, जिनको आवश्यकता नहीं होती है एक ट्राली या एक ट्रक की, तो कैसे हम एक बोरी का या दो बोरी का या दस बोरी का हम रेट सुनिश्चित करेंगे और उसमें कितना घन फिट माल आता है, कितना फिट माल आता है। एक चीज़ यहाँ पर पहले क्लियर कर दें कि घन फिट को आमतौर पर हम फिट ही कहते हैं कि एक ट्राली में इतना फिट होता है या एक ट्रक में इतना फिट माल होता है। और दूसरी बात, यहाँ पर जो बोरी की बात करने वाले हैं वो बोरी है आपकी सीमेंटेड बोरी, क्योंकि सीमेंट से ही जो बालू या मोरंग या गिट्टी में मिलाकर घर का निर्माण किया जाता है, तो जो बिक्री होती है वहाँ पर यहाँ पर वो होती है कि जो सीमेंट की बोरी होती है वो चाहे ACC गोल्ड हो या कोई भी बोरी हो, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर चलिए आइए समझने का प्रयास करते हैं कि एक ट्राली का आयतन कितना होता है। तो जैसा कि हमने बताया था कि एक ट्राली का आयतन 135 से 140 घन फीट होता रहता है। अब यहाँ पर आप ये समझने का प्रयास करें कि कभी भी एक दो इंच बढ़ जाता है तो 135 से 140 हो जाता है। तो यहाँ पर आपको ये जानना है कि सबसे पहले जब आप एक ट्राली माल लेंगे जिसमें 135 घन फीट होता है, अब जब बोरी में उसको भरना शुरू करेंगे तो उसमें कितनी बोरी आएगी, 60 बोरी आएगी। अब यहाँ पर आपको ये पता करना है कि एक बोरी में कितना घन फीट आता है। तो एक बोरी में घन फीट यानी कि एक बोरी का आयतन कितना होगा, तो 135 को हम डिवाइड कर देंगे, 135 घन फीट है, अब 60 बोरी होता है, एक बोरी का निकालना है तो 60 से आप डिवाइड कर दीजिए। अब जब 60 से डिवाइड करेंगे यानी कि भाग करेंगे तो आपका आएगा 2.25 यानी कि 2.25 घन फीट। अब यहाँ पर आपने जान लिया कि एक बोरी में कितना घन फीट बालू मोरंग या मिट्टी आती है, तो अभी आपको इसका रेट सुनिश्चित करना है, रेट निकालना है। तो रेट निकालने के लिए हम आपको एक उदाहरण माध्यम से बता रहे हैं कि मान लीजिए कि आपने एक ट्राली बालू ली और एक ट्राली बालू की कीमत है 2000 रुपये। कितना? 2000 रुपये। अब आपको निकालना है कि एक बोरी की कीमत कितनी होगी। तो यहाँ पर एक बोरी की कीमत निकालने के लिए आपके पास दो तरीके हैं। एक तो आपको यहाँ पर 135 घन फुट है, 135 घन फुट से आप इसको डिवाइड कर दीजिए। 135 घन फुट से जब आप डिवाइड करेंगे तब आपको एक घन फीट का माल, एक घन फीट माल का आपको दाम पता चल जाएगा यानी कि कीमत पता चल जाएगी। अब मान लीजिए कि 135 से आपने भाग कर दिया और आपका आ गया, देखिए दोस्तों यहाँ पर हम एक्यूरेसी कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर सिर्फ मान लिया जा रहा है कि 8 रुपये मान लीजिए कि आ गया, यानी कि एक घन फीट का आपको कीमत पता चल गई कि कितना है, 8 रुपये है। अब आपको पता है कि एक बोरी का आयतन कितना होता है, 2.25 घन फीट होता है, तो एक घन फीट का आपको पता है तो इनमें आपको गुणा कर देना है 2.25 से। जब आप 8 को 2.25 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 18 रुपये, यानी कि 18 रुपये आपको एक बोरी कीमत आपको पता चल गई। लेकिन जो एक ट्राली की कीमत होगी वही रेट से आपको नहीं देंगे यहाँ पर 18 रुपये, यहाँ पर बल्कि वो आपसे 20 रुपये या 19 रुपये लेंगे। ऐसा इसलिए कि जब आप चीनी मान लीजिए खरीदने जाते हैं तो 1 किलो चीनी की जो दाम होती है वही अगर आप 50 ग्राम चीनी लें तो उसका कीमत आपको कुछ ना कुछ ज़्यादा लगेगा उसके तुलना में। तो ये आप समझ सकते हैं दोस्तों। अब यहाँ पर एक चीज़ और क्लियर कर दें कि कुछ दोस्तों ने, कुछ व्यूअर्स ने कमेंट किया कि सर, एक बोरी में कितना आपका बालू या मोरंग या जो मिट्टी है वो कितना केजी होता है, कितना किलोग्राम होता है। तो सबसे पहले ये जान लें कि इसकी जो रेटिंग होती है यानी कि रेट कीमत निकाली जाती है, बिक्री होती है, वो पहली बात तो घन फिट के हिसाब से होती है। तो आपको इसका जो केजी है एक बोरी में निकालने की ज़रूरत नहीं है कि कितना किलोग्राम है,
लेकिन फिर भी अगर आप निकालना चाहते हैं तो बालू का वजन अलग होगा, मिट्टी की वजन अलग होगी और मोरंग की वजन अलग होगी, आप उसे तौल कर निकाल सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपके डाउट्स इससे संबंधित जो रहे होंगे क्लियर हुए होंगे। दोस्तों अगर कुछ और भी क्वेश्चंस है आपके दिमाग में तो ज़रूर आप कर सकते हैं, हम उन प्रश्नों का जवाब देने का पूरा प्रयास करेंगे। धन्यवाद।